तो फाइनली गाइज अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो पारस हुआ करते थे जो किसी भी मूवी को अगर एक बार भाई छू लेते तो वो मूवी टिकट खिड़की पर रुपए बरसाने लगती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में वो चाहे सम्राट पृथ्वीराज बने, बच्चन पांडे या राम सेतु का रहस्य तलाशें या फिर भाई रक्षाबंधन मनाए, बॉक्स ऑफिस पर इन सब का परिणाम फिटूस ही रहा है। एंड गाइज यही हाल युवा पीढ़ी के चहेते स्टार टाइगर श्रॉफ का भी है जिनकी की भाई पिछली 2 मूवी हीरोपंती 2 और गणपत को केवल ना के बराबर ही ऑडियंस मिल पाई। और अब फाइनली गाइस दोनों अपने अपने हिस्से के इस सूखे को खत्म करने के लिए बड़े मियां छोटे मियां बनकर एक साथ धमाकेदार एक्शन अवतार में बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। मूवी में भाई एक्शन भर भर के है, इतना कि कभी लगता है कि हम मूवी में एक्शन नहीं बल्कि एक्शन में ही मूवी देख रहे हैं। एंड गाइस बिलीव मी BMCM एक धमाकेदार जॉय राइड है जो आपको एंटरटेनमेंट से भरी दुनिया में ले जाएगी एंड आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए भी आपको बेसब्र करती है। और इस मूवी की सबसे मजबूत कड़ी भाई अली अब्बास जफर का डायरेक्शन और इनकी दमदार कास्ट है जो कि भाई चारों तरफ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। एंड गाइस ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर होने का वादा तो हमसे डेफिनेटली करती है। एंड भाई एक्शन से भरे इस सफर पर निकल जाने के लिए अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लीजिए। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 एक्शन की दुनिया के खिलाड़ी एक साथ आए हैं। तो आज की इस मूवी रिव्यू की जर्नी में बात कर लेते हैं सबसे पहले मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की शुरुआत से ही फ्रेडी यानी कि अक्षय कुमार और रॉकी यानी कि टाइगर श्रॉफ अपने साथ ऑडियंस को एक्शन पैक्ड सफर पर लेकर निकल जाते हैं। और ये दोनों टॉप के मिलिट्री ऑफिसर हैं जो सिर्फ बुराइयों से ही नहीं लड़ रहे बल्कि दुनिया को एक खतरनाक मास्टरमाइंड से बचाने के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भाई आपको ये बता दे कि ये सिर्फ एक्शन से भरपूर मूवी ही नहीं बल्कि यह अक्षय और टाइगर श्रॉफ के बीच की केमिस्ट्री को भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। इस मूवी में उन दोनों की मस्ती, दोस्ती और उनका ब्रोमांस है और एक ऐसी कहानी जिसमें लेजेंड बनते हैं। अब चलिए डॉक्टर कबीर यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर कबीर एक बेहद ही खतरनाक, चालाक और रूह कपा देने वाला खलनायक है और इस तरह के किरदार को देखने की भाई लंबे समय से चाह थी जिसे आप भी जब देखने जाएंगे तो इसे नफरत करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। अब इन लाख कमियों के बावजूद उसके अंदर कई खासियत है लेकिन वह अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल हमेशा से बुरे कामों में ही करता है। आप इस मूवी में उनको डेफिनेटली हारते हुए तो भाई देखना चाहोगे लेकिन साथ ही साथ आप उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करने से भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। अब गाइस मूवी इतनी सीरियस करने वाली भी नहीं है बल्कि इसमें कॉमेडी और ह्यूमर का भी परफेक्ट तड़का आपके लिए लगाया गया है। जी हाँ गाइस, मानुषी चिलर, आलिया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने इस मूवी में कई फनी मूवमेंट ऐड किए हैं और इस तरह से भाई ये मूवी एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर बन जाती है। एंड गाइस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको जितना मजेदार लगेगा इसका सेकंड हाफ भी आपको उतना ही एक्साइटेड करेगा। लेकिन गाइस इस मूवी को देखने के बाद भाई यह कहना तो बनता है कि टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक्शन के मामले में ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से भी भाई हमें इम्प्रेस कर रहे हैं। तो भाई फाइनली अब बात कर लेते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। अब देखिए गाइस कहानी में कोई नई बात नहीं, ये निर्देशक अली अब्बास जफर भी जानते हैं लेकिन उन्होंने इसका सारा जोर भाई इसके ड्रामे को प्रेजेंट करने पर लगाया है और वीडियो गेम स्टाइल में मूवी में फिल्माए गए हैं ढेर सारे स्टंट सीन जो भाई आपको सोचने तक का मौका नहीं देंगे और मूवी जेड स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो अगर आप एक एक्शन मूवी लवर हैं तो भाई डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है जिनमें एक्शन के साथ साथ थोड़े थोड़े फनी मोमेंट और ह्यूमर का तड़का भी लगाया गया है। तो एक्शन मूवी लवर बिना किसी देरी के इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से मूवी को भाई 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो इस ईद पर भाई परफेक्ट ईदी एक्शन के तौर पर इस मूवी में आपको दी गई है जिसे भाई एक बार तो आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। फिलहाल गाइस मूवी रिव्यू जर्नी में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।